तुम्हारा जैसे, मेरे वजूद में तुम हो समाए ऐसे, दुनिया भुला के तुझ में बसा हूँ, हो गया दिल शायराना। तुम पे शुरू तुम पे फना, हो गया दिल सूफियाना। कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, तू बस मेरा है। कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, ये मुझको पता है। For my love and the most beautiful woman in the world. तो तुम्हें आज का दिन याद था? कैसे भूल सकता हूँ वो खुशी का दिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी सोफिया। तुम भी ना, सुबह जब ऑफिस के लिए निकले थे तब तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है तुम्हें आज का दिन। पर जब तुम्हारा कॉल आया, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तब थोड़ा सा शक हुआ मुझे। सरप्राइज। 3 years and still going strong. Third anniversary, huh? Yeah. क्या देख रहे हो? You're looking pretty. I know. Thank you. My pleasure. Shall we? Yeah. डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। वो क्यों? बस ऐसे ही। खास करके वो जो हमारे पास वाले घर में शिफ्ट हुई है। पूजा, राइट? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ एक सीधा सादा बंदा, वन वुमन मैन। आई होप सो। ये मुझको पता है। Nice taste. Thank good. You. आपका भी मिला। I'll just right back, okay. Yeah? Just a minute. Okay. इतने खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत आंखों में आंसू कुछ अच्छे नहीं लगते। आप बताएं क्या हुआ, क्यों रो रही है? जी मैं बड़ी परेशान हूँ घर से। देखिए घबराइए नहीं, प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ। आप कौन? आई एम अ लॉयर, यू नो, वकील। जो उस आदमी ने मुझसे शादी करके यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाया के इतनी गालियां भी दी उसकी माँ ने भी, और इतना मारा। मैं उनसे बच के भागी हूँ अभी। वो मुझे ढूंढेगा, फिर मारेगा। Actually, I'm in the middle of something. आप ऐसा करें कि you know, come to my office. I told you, lawyers हैं। हम ये मेरा कार्ड रखिए प्लीज, घबराइए नहीं। हम आपकी हेल्प करेंगे, आप सुबह मेरे ऑफिस आइए एंड वी विल will definitely help you, ठीक है? तुम कल याद से जरूर आना, अच्छा? फिर मिलते हैं कल।
वाह जी वाह। बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? वो क्यों? तुम्हें तो पता है मैं वखरी हां। वैसे हैंडसम, बड़े लश्कारे मार रहे हो तुसी आज। थैंक यू। आज ना मेरा ऑडिशन है, तो मैं ठीक लग रही हूँ? यू लुकिंग ओके। कभी तो ज्यादा तारीफ कर दिया करो मेरी। यू लुकिंग गुड पूजा, वेरी गुड। मैंने पता सी तुसी मेरी ज्यादा तारीफ नहीं करोगे। एनीवे, ये ले मेरा फोन और मेरी दो चार तस्वीरें खींच दे। ओके। लाइक दिस। और एक ऐसे, देखिए ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, दिखाई जरा। इतनी सोनी लग रही हूँ, नहीं? Yeah. अच्छा, मैंने तुम्हारे नाल एक जरूरी काम सीखा। मैंने तुसी अपना नंबर दे दो फौरन। नंबर? वो क्यों? मुझे एक प्रोड्यूसर को देना है। वो मेरे थिएटर के ड्रामे का प्रोड्यूसर है। आपकी जो सॉलिसिटर कंपनी है ना, उसे ड्रामा स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ बात करनी थी। मेरी तो सॉलिसिटर फर्म है, उसके साथ आपकी। पड़ोसन का ख्याल रखा करो। लव थाय नेबर, नहीं सुनिया तुसी? ओके। मुझे पता है तुसी न्यू टैलेंट की प्रमोशन जरूर करो। मेरे नाल बहाने मत करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ गल सुनो, विजिटिंग कार्ड दे नाल एक तस्वीर भी लेंदा जा, वखरे टाइप दी। हेलो। हाउ आर यू वदूद? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, शुक्रिया। हाउ आर यू शाहिद? हेलो, फाइन सर। भाभी ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग सर। हेलो तहसीन। यस सर। Who is this girl sitting next to you at the reception? ये जैन साहब से मिलने आई हैं। मैंने पूछा तो कह रही हैं कि जैन साहब को ही बताऊंगी। Okay. आपने बताया फिर उनको? मैंने बता दिया है, जैन साहब वेट करने को बोल रहे हैं। Okay. There's someone waiting for you outside. मीटिंग खत्म हुए आधा घंटा हो गया, तुम फारिग बैठे हो, तो फिर क्यों इंतजार करवा रहे हो इसको? सॉरी बॉस, मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया। मैं अभी जाके देखता हूं, मैं अभी जाता हूं। कितनी दफा तुमसे कहा है कि इस तरह से मजबूर लोगों को वेट करवाना अच्छी बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी जाके, मैंने बोला ना मैं अभी जाके देखता हूं। ओके। अरे घबरा क्यों नहीं है, बताएं हुआ क्या आपके साथ? मेरे माँ बाप ने जबरान नाम के लड़के से शादी करा दी, ये सोच के कि लंदन का लड़का हमारी बेटी लंदन चली जाएगी। यहाँ के पता चला कि किसी काम काज का नहीं वो, उल्टा मुझे ही अपने दोस्त की दुकान पे जॉब पे लगा दिया। बहुत जुल्म करता था, बहुत बर्दाश्त किया है, अब शर्त रख रहे कि। बताए मुझे क्या क्या शर्त रखी? अब शर्त रख रहे कि वो उसके दोस्त को रोज खुश करूं मैं, और उसको रोज खाना बना के दूं, ताकि खुद तो नशा कर सके और उसका धंधा बढ़ सके, गलियों में बेचता फिरता और बड़े डीलर होने के ख्वाब देखता रहता है। What rubbish, पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं। खैर आप बात बताएं, जारी रखें। बहुत लड़ाइयाँ होती है हमारी, बहुत ज्यादा, हर रोज।
यह इंसान ने मेरा पासपोर्ट, मेरा मेरे सारे कागजात अपने पास रख लिए छुपा के। तब पुलिस को दे दूंगा कि इलीगल रहती है यहाँ पे और कोई काम नहीं कर सकती। अरे आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक जगह आ गई हैं। और अरे 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 ऐसे ना कीजिए, मैं हूं ना। आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं मेरे लिए, मुझे अपने पाकिस्तान अपने घर जाना है। वैसे रह कहाँ रही हैं आप? अपनी सहेली के घर। शाम में क्या कर रही हैं? बिजी तो नहीं? इस वक्त मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ऐसा करें कि ये मेरा एड्रेस है घर का, आप आए ना, डिनर भी साथ कर लेंगे और केस के बारे में भी बातचीत हो जाएगी। कोई ना कोई हल निकालते हैं आपके मसले का, परेशान नहीं होना। सजनों में डूबा तेरी रंगीन अदाओं में, मैंने तुझे ढूंढा है जन्नतों की राहों में। सजनों में डूबा तेरी रंगीन अदाओं में, मैंने तुझे ढूंढा है जन्नतों की राहों में। सदा इन हाथों में तेरा यूं हाथ हो, नूर तेरे नैनों का हर पल मेरे साथ हो। होके जुदा तुझसे एक पल भी मुझको चैन कहीं ना आए। तुम पे शुरू तुम पे फना हो गया दिल सूफियाना, कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, तू बस मेरा है। कि बिन तेरे जी न पाऊंगा, ये मुझको पता है, ये मुझको पता है, पता है। ये मेरी दोस्त का कमरा है, वो अभी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गई है, फिर वापस आ जाएगी, तब तक तुम यहीं रह सकती हो। 2-3 दिन के लिए? उसके बाद क्या करूंगी मैं? मेरा मतलब है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ कितनी देर तक चलेगा। फिलहाल तो तुम यहीं रहो, उसके बाद कोई हल निकाल लेंगे, परेशान मत हो। हेलो आंटी। बात सुनो लड़की, तुम मेरे भोले भाले बेटे को अपनी अदाएं दिखाकर उसकी जिंदगी में शामिल हो गई हो, लेकिन याद रखो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। आंटी प्लीज आप गुस्सा छोड़ दे, ये बताइए आप कैसी हैं? वो केसेस के चक्कर में बिजी रहते हैं आजकल, पर हम जल्दी आएंगे पाकिस्तान आपसे मिलने। बस बस बहानों से मेरे बेटे को जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं खूब समझती हूँ कि तुमने शादी करने के लिए मेरे बेटे पे क्या क्या जाल बिछाए थे। आंटी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जाती और ना ही मेरी बददुआ। अब तुम कभी सुकून नहीं पाओगी, तुम कभी सुकून से रह नहीं पाओगी, ये एक माँ की बददुआ है तुम्हें। क्या हुआ? हाँ तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी। फिर तो जरूर अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा होगा, तभी तुम्हारा मूड अपसेट है। नहीं नहीं, बल्कि आज तो आंटी ने अच्छी तरह से बात की। अच्छा क्या कहा उन्होंने? आज उन्होंने पहली दफा मुझे बेटी कहा, आखिर बहू भी तो बेटी की तरह होती है।
तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे अल्फाज के साथ नहीं दे रही सोफिया। क्या क्यों आखिर आंटी मुझसे इस तरह से बातें करती है? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अम्मी की कॉल मत अटेंड किया करो। मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगा। तुम्हें पता है ना उनको हमारी शादी पे। मुझे उनकी बद्दुआ से बहुत डर लगता है यावर, कहीं उनकी बद्दुआ कबूल हो गई तो। माओ की दुआएं लगती हैं, बद्दुआएं नहीं। और एक दिन शायद उनको ये बात पता लग जाएगी कि उनकी बद्दुआएं उनके बेटे पे भारी पड़ सकती हैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं अब यावर। अच्छा चलो अब अपना मुंह ठीक करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। नो नो डोंट, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने तुमसे उनकी शिकायत की है। वो तो तुमने की है ना। क्या पर साथ कोई और भी था? अरे आपके होते हुए यहाँ किसी और के होने की क्या जरूरत है? जी मैं एक दोस्त को एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो नहीं आया, लेकिन चले प्लीज आप चाय पीजिए। अरे केस का क्या हुआ? आपका केस मैंने स्टडी किया है। तो मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर बिल्कुल पाकिस्तान जा सकती हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दे, यू नो तुम इलीगल हो, और उस सूरत में तुम जेल भी जा सकती हो। तो आप कुछ करें ना, जल्दी तुम्हारा केस फाइल कर देंगे इंशाल्लाह, और कोई ना कोई हल निकल आएगा जल्दी। तो अकेली हूँ मैं, किसी भी तरह मुझे मेरे मुल्क वापस भिजवा दीजिए। मैंने कहा इंशाल्लाह जल्द केस फाइल कर देंगे और सलूशन भी निकल आएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर आज मैं आ रही हूँ। ओके खुदा। क्या हुआ? मेरी दोस्त आ रही है मुझे लेने। तो मैं छोड़ दूंगा ना आपको? नहीं नहीं मैं उसी के साथ रहती हूँ ना, तो वही। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई कैन ड्रॉप यू ऑफ इजीली। नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको केस के लिए कॉल करूँगी। चलती हूँ देर। अभी तो आप आई थी और बहुत बहुत शुक्रिया। किदा यावर जी, आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्या है? आज ना मैं हीर बनी हूँ अपने रांझे के लिए। अच्छा आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं चलता हूँ। आप कितने चले हो यावर जी? वो जी सुबह से तैयार होने में इतना टाइम लग गया कि मैं डायलॉग नहीं लर्न कर पाई, तो अब मैं वहाँ जाके क्या बोलूंगी? इसका मतलब है आप ये चाह रही हैं कि मैं वहाँ जाके आपकी डायलॉग्स डिलीवर करूँ? बहुत अच्छे लगोगे तुम हीर के डायलॉग्स बोल के। वेरी फनी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता भाई। एक मिनट एक मिनट, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए आप, मुझे बस ये स्क्रिप्ट याद करवा दे प्लीज। देखिए आप ना रांझे के डायलॉग्स बोलो और मैं हीर के बोल दूँ, मुझे याद हो जाएंगे ऑनेस्टली। यावर तुम रांझे के डायलॉग्स बोलो जब तक मैं हीर के लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू सो मच सफिया जी। ओ सफिया जी शुगर अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। थैंक यू। हाँ जी तो आप यहाँ से ये वाला। हीर ये मेरा तेरे बगैर दिल नहीं लगता। और मेरे रांझे ना, मैं तो फिर हूँ ही ना बकरे टाइप की। Thank you.
जी सोफिया जी, इसके पहले भी आपको चक्कर आए कभी? जी। आपको सिर्फ चक्कर ही आए थे कि बेहोश भी हुई थी? नहीं, सिर्फ चक्कर आए थे। आप हाउसवाइफ है? जी। अच्छा, इसके पहले आप मॉडलिंग करती थी? हाँ जी, पहले करती थी। आप यहाँ अकेले आई हैं? हाँ, उनके काम में वो एक कोर्ट केस चल रहा है तो काम में बिजी है एंड आई डोंट वांट टू कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट। ओके सोफिया जी, हमने आपके ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं, ठीक नहीं आए हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपके लंग्स इम्प्रूव हो सके और हमें थोड़ा ट्रीट करने में आसानी होगी। अब कैसा फील कर रही हो? Much better now. तुम्हें पता है तुमने मुझे परेशान कर दिया था। ऐसी कुछ बात नहीं है, बस चक्कर आ गए थे। मुझे मालूम है तुमने अम्मी की बातों का बहुत असर लिया है। You're in stress. ऐसी कुछ बात नहीं है, seriously. वो बात तो वहीं पे खत्म हो गई थी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? He just said to rest. Then you should. पता है हमें चलना चाहिए किसी वेकेशन पर, चलें? It's not a bad idea. कब चलना है? जब तुम कहो। तो पूजा को उनके हीर वाले डायलॉग्स कौन याद दिलाएगा? उसका राजा। सुबह तो बड़ा कह रहे थे कि हीरे मेरा तेरे बगैर दिन नहीं लगता। जी सोफिया जी, कैसे हो आप? वेलकम, आइए। मैं कैसी लग रही हूँ आपको? बहुत खूबसूरत, पर आप यावर को भी पूछ सकती हैं। बस जी, इन्होंने तो सिर्फ ओके कह देना है, वो तो मुझे पता ही है। By the way, you do look gorgeous. Oh, thank you. वैसे मुझे पता है मुझे ज्यादा मेकअप की ना जरूरत नहीं पड़ती, इट्स माई नेचुरल लुक। मैं तो वैसे भी बकरी हूं, क्यों बेस्टे? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा यावर जी, तुसी ना एक खिंच लो तस्वीर बकरे टाइप दी। आइए सोफिया जी, आइए। और कुछ? थैंक यू। नहीं नहीं। अच्छा यावर जी, इनसे मिलिए, ये है हमारे डायरेक्टर रे खान जी। नाइस मीटिंग यू मैन। हम एक बकरे टाइप का थिएटर प्ले कर रहे हैं। किस टॉपिक पे? जी वो तो पता चल जाएगा जब बनेगी तब। लगेगी बरसात रे मोरे ने। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जाती और ना ही मेरी बददुआ। अब तुम कभी सुकून नहीं पाओगे, तुम कभी सुकून से रह नहीं पाओगे। ये एक माँ की बददुआ है तुम्हें। लगेगी बरसात रे मोरे ने।
How are you? आओ चलो ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। ऑफिस में कोई नहीं है। हाँ बस सब लोग निकल गए थे, मैं भी जाने ही वाला था, शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऑफिस में चलते हैं। क्या हुआ मेरे केस का? केस यार मैंने तुम्हें कहा था कि वो थोड़ा चालाक आदमी है, कहीं उल्टा तुम पे केस कर देगा। और क्या मैं घर नहीं जा सकती? अरे अरे ऑफ कोर्स घर जा सकती हो, बस यू नो थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, कब तक इस अदरा बदरा फिरती रहूंगी? नौकरी नहीं है, घर नहीं है। अरे यार इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ? मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा घर है ना, तुम वहां चल के रह सकती हो। जी देखो मैं इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। अब सवाल ये है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझ तो तुम सब रही हो, बस जानबूझकर अनजान बन रही हो। हेलो, हाँ सोफिया, हाँ मैं ऑफिस में कुछ भूल गया था, आ रहा हूँ। कोई नहीं है ऑफिस में। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि यू नो हम साथ रहें, कुछ वक्त गुजारें साथ, तो तुम्हारी मेरी दोस्ती यू नो। हाथ ना लगा मुझे! आप भी मेरे शोर हो उसके दोस्तों के साथ निकले ना। और शट अप, जरा बकवास करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों बुरा होता है? हम जैसे लोगों के ऊपर क्यों पुतली चावल होती है हमेशा? आपके साथ ज़ैन ने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपके सारे कहने से क्या हो जाएगा? मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। हम औरतों के साथ ही क्यों हमेशा नाजायज होता है? देखिए मैं इस लॉ फर्म का मालिक हूँ, आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे शेयर करें, मैं आपका राइट दिलवाऊँगा आपको, मुझ पर भरोसा करें। मुझे सिर्फ पाकिस्तान जाना है, अपने अपने घर जाना है। चलो बाबा चलो आओ। जे तू ना मिले ते मैं कखे दिया, जे तू आवे। ये हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। क्यों? तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करने। मुझे नहीं जाना पुलिस स्टेशन, वो लोग मुझे कैद कर लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ज़ैन ने बताया था कि मेरे शोहर ने मुझ पर चोरी का केस फाइल किया हुआ है, अगर वहाँ आपने अकेला छोड़ दिया मुझे फिर मैं क्या करूँगी? देखो जब तक तुम्हारा केस साबित नहीं हो जाता वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारा राइट दिलवा के रहूँगा। ज़ैन भी यही कहता था, किसने क्या किया? वही सब कुछ जो सब करते हैं, धोखा दिया उसने मुझे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लोगों को पहचान कर उन पर ट्रस्ट करना सीखो। तो मेरी लॉ फर्म में आई हो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूँगा। अब तुम्हारा केस चाहे ज़ैन डील करे या यावर, बात एक ही है।
Thank you very much, officer. Not a problem. Yourself as a solicitor knows, we've taken a statement from the victim. Based on what she said in that statement, we've now interviewed the offender. From that, he has now been warned to stay away from her. No communication, no interaction, no even attempts to try and communicate with her. I've given my contact details. She'll be staying at my place now. Brilliant. Well, well. So, anything you want to ask, please give me a call. Yeah, no, that's perfect. It gives her that help. She ever needs us, make her feel reassured that she ever needs to phone us, give us a ring. ये नया है। अस्सलाम वालेकुम। बताता हूँ, आप अंदर चले नया। मैंने उसको कई बार समझाया है कि इस तरह की हरकतें ऑफिस में मत किया करो, बट जिंदगी में ये सब कुछ होता रहता है। हम हैं ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम यहां रह सकती हो। इसको अपना घर समझो। उसका ग्यावर मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। उसे बहुत बहुत शुक्रिया ग्यावर। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि आप, तुम्हें पता है रात को तुमने क्या हरकत करने की कोशिश की। I'm so sorry यार भाई, बस मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या किसी अखबार में या किसी चैनल पे हमारी खबर आ गई ना तो तुम्हारे कैरियर पर और हमारी फर्म पर एक बहुत बड़ा धब्बा पड़ सकता है। यार भाई आपको पता है, you know, it's just, मुझे कंफ्यूज हो गया था। मुझे यार लोगों की मदद किया करो, लड़कियों को तुम बाहर बैठा के इंतजार करवाते हो। For God's sake, यार। इतने अच्छे लोग हैं ये, जान पहचान ना होते हुए भी ये लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं मेरी। यहां आते हुए तो दिल में बहुत खौफ था कि पता नहीं यावर साहब कैसे इंसान होंगे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की मुश्किलों से फायदा उठाने के बजाय उनकी मदद करते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। या अल्लाह तेरा शुक्र।
Hello. Hi, I'm Zen. Pooja. इतनी खूबसूरत लड़की की तो पूजा ही होनी चाहिए. वैसे मेरा नाम पूजा है. हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि बहुत सोच समझ के रखा है आपके पेरेंट्स ने आपका नाम. आप अक्सर यहाँ आती रहती हैं? नहीं, मैं कभी कभार अपने फ्रेंड्स के साथ आती हूँ. हाँ, चले, अब आपका आना जाना ज्यादा हो जाएगा. एक्सक्यूज मी, मेरा कॉल आ रहा है. हाँ, प्लीज. क्या हुआ? जलन हो रही है? तुम झूठ बोल रहे हो. मुझसे ना, एक मिनट. अच्छा, आप आयशा को तो जानते ही होंगे. आयशा बड़ा कॉमन सा नाम है वैसे. अरे, मंगनी तो हर किसी से नहीं होती ना. मंगनी? अच्छा, आयशा को छोड़िए, आप नताशा को तो जानते होंगे, इलिंग वाली हुई. नताशा, आयशा, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा. फिर तो आपको मिलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उनको. अच्छा गर्ल्स, आ जाओ. हाँ हाँ, आ रहे हैं वो. आयशा, बिल्कुल नताशा, आपकी फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ आ रही हैं. फिर तो मसला ही हो गया ना, आपकी तन्हाई भी दूर हो गई और आपकी कंपनी भी आ रही है. अरे, आपको मिलना चाहिए उनसे. अरे, रे, 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 मुझे तो बहुत जरूरी काम याद आ गया. तो और मुलाकात भी जरूर होगी. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीकेंड जरूर मुलाकात होती है ना, याद रखिएगा. अरे रुकिए, जरूर मिलेंगे. और आयशा नताशा को मेरा हेलो बोल दीजिएगा. अरे रुकिए. सहरा था, चेहरा तेरा मिला, भीगी तेरी जुल्फों ने चूमा मेरा जहां. जीवन सहरा था, चेहरा तेरा मिला, भीगी तेरी जुल्फों ने चूमा मेरा जहां. तेरी इन आंखों में जाने क्या बात है, इन पे लुटा दूं लम्हों की सौगात मैं. जुदा तुझसे एक पल भी मुझको चैन कहीं ना आए. तुम पे शुरू, तुम पे फना हो गया दिल सूफियाना. के बिन तेरे जी न पाऊंगा, तू बस मेरा है. के बिन तेरे जी न पाऊंगा, पता है ये मुझको, पता है ये मुझको, पता है. क्या हुआ, पता लगा कुछ सोफिया? नहीं, अभी तक तो नहीं. उसके गायब होने से पहले उसने तुम्हें कोई ऐसी बात की जिससे अंदाजा हो कि? बहुत डीप थिंकिंग में थी. कह रही थी कि आप लोग ना होते तो उसे पता नहीं कि वो क्या करती. कहाँ जा सकती है? कहीं अपनी दोस्त के घर तो नहीं गई? कहीं उसका शौहर? मैं पता करता हूँ. ओके, बाय. Thank you.
नेहा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? जबरा, जबरा। काम दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे वो ले जाता मुझे। कौन ले जाता? जबरा, मेरा शो। Don't worry। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भाग गई थी वहाँ से। मुझे पकड़ के ले जा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, काम दो। खुशियां भी मेरी जिंदगी में बादल की तरह आई, फिर जिंदगी का भयानक चेहरा दिखाकर चली गई। मैं क्या कहूंगी या प्रभु, कैसे बताऊंगी उसे कि तुम्हारी सोफिया एक वीरान पेड़ का सूखा पत्ता बन के रह गई, जो न जाने कब किस वक्त अपनी शाखें छोड़ दे। Sophia, were you awake? Good thing. Couldn't sleep. Go back to sleep. What about your case? यावर ने जबरान से डिवोर्स का केस फाइल किया अभी। सॉरी। किसके लिए? क्यों सॉरी? तो बता, जब रिश्ते रूह को जख्मी करने लगे ना, तकलीफ देने लगे, तो उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। You're right. जोड़ी तो ऐसे होनी चाहिए जैसे यावर जी और सोफिया जी का है। पता नहीं, मुझे तो लगता है यावर जैसे आदमी ना हमारे लिए सिर्फ ख्वाब की तरह होता है। आंख खुलते ही ना जबरान जैसे लोग आपकी रूह को जख्मी करने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, लाइफ में बस थोड़ा वक्त लगता है। क्या बोलने लग गई? वैसे मैं सोचती हूँ कि यावर सूफिया के लिए लकी है या सूफिया यावर के लिए, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट हैं। पीओ ठंडी हो जाएगी। तुमने आज सारा दिन कॉल क्यों नहीं की मुझे? बस यूं ही, शायद बिजी थी। तुम कर लेते। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की सोफिया, लेकिन तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया। शायद सो रही थी। I missed you a lot, Sophia. ओहो, यावर, शादी को 3 साल हो गए। अगर फोन में बात नहीं हो पाई तो क्या हुआ? घर तो आ गए ना तुम? क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं? नहीं
नहीं, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। तुम डॉक्टर के पास गई थी, कोई मेडिसिन कोई? उफ़, इतने सारे क्वेश्चंस, मामूली सा दर्द है, अगर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। कोई पेन किलर ले लो। मैं वॉक पे जा रही हूँ। यावर जैसा इंसान ना बहुत नसीब वालों को मिलता है, और तुम बहुत खुश नसीब हो। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा तो बनी। सच का, और ना तस्वीर का दूसरा चेहरा जबरान जैसे लोग भी, जिनके लिए औरतों की खुशियां जज्बात एहसासात कोई मायने नहीं रखते। सच कहा तुमने, बिखरी हुई गिरचियां कभी वापस सिमट कर कांच नहीं बन सकती। जो वक्त गुजर गया वो वापस कभी नहीं आ सकता, मगर दिल करता है कि उसे रोक लूं। हर कोई बेबस है, मैं, तुम, ये वक्त भी, जो सिर्फ चलना जानता है, रुकना नहीं। सच कहा आपने। आपको पता है जब मैं पाकिस्तान से लंदन आ रही थी तो सोचती थी कि मेरा शौहर भी यहां पर कितना सोच रखने वाला जैसा इंसान होगा। जबरान से मिलने के बाद सारे ख्वाब मेरे टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई ना, और हो सकता है यावर जैसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। यावर जैसा इंसान मिलना मुश्किल है, अलबत्ता तुम बहुत खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मती इसे नहीं कहते कि अपने लाइफ पार्टनर को आपसे ही दुख मिले, और यावर को मुझसे दुख और तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और ये एक कड़वा सच है। जानती हूँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। शादी से पहले हम यहाँ आया करते थे, याद है? You're looking nice. Thank you. Adil. Sophia. तुम? Sophia, what a pleasant surprise. I know. कितने सालों के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। Almost 5 years. Such a long time. Yeah. By the way, this is my husband Yavar. Hello. Join us. नेक्स्ट वीक मिलते हैं वेस्टफील्ड में, और वो जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो करोगे ना? प्लीज, आई बी वेरी थैंकफुल इफ यू कुड हेल्प मी आउट। प्लीज प्लीज प्लीज, डिनर्स ऑन मी। तुम कब आए? कौन था फोन? रॉन्ग नंबर था।
मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम साथ नहीं गई। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, मैं डिनर के वक्त वापस आ गया बगैर कुछ खाए। सर में दर्द है, पर आई हैव टेकन सम मेडिसिंस। आई थिंक तुम्हें अपना कंप्लीट चेकअप करा लेना चाहिए। रोजाना तुम सो नहीं पाती, मैं नहीं सो पाता। अच्छा, तो अब मुझसे प्रॉब्लम होने लगी है। कैसी बातें करती हो, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है क्या? एनीवे मैं ठीक हूँ, तुम ऊपर जाकर चेंज करके सो जाओ। ये तुम कर क्या रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो आदिल से चैट कर रही हूँ। आदिल से? Yeah, so what? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इससे ज्यादा खराब भी हो सकती है। और तुम जावर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम ऊपर जाकर सो जाओ, मैं नीचे वाले कमरे में सो जाऊंगी। सोफिया उठ जाओ, सोने दो, देर हो रही है। मैं देर से जाग रही थी रात को। इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, कहा था ना तुमसे रात को आदिल से चैटिंग मत करो, बाज नहीं आते तुम। आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। सोफिया अच्छा नहीं लगता, सब इंतजार कर रहे हैं, मैंने सबको संडे ब्रंच पे बुलाया हुआ है। तो नेहा को ले जाओ। नेहा को? उठाओ मत मुझे, दोबारा आवाज मत देना, let me just sleep। कुछ लोग ही नहीं। रात को दोबारा फिर तुम देर से सोई थी। किससे चैट कर रही हो? आदिल से। क्या तुम रोजाना आदिल से चैट करती रहती हो? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सोफिया, मुझे तुम्हारा रोजाना आदिल से इस तरह से चैट करना अच्छा नहीं लगता। What? क्या लगता है, वो तुम्हारा शौहर है क्या? तुम आदिल के बारे में ऐसे बात करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आदिल के अलावा अगर कोई और भी होता तो मैं इसी तरह बात करता। तुम इतने कंजर्वेटिव निकलोगे, मुझे पता भी नहीं था। कंजर्वेटिव हूं, हर मोहब्बत करने वाला होता है, हर शौहर होता है। जब तुम नेहा को हमारे घर उठा लाए तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम आदिल को नेहा से मिला रही हो? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल टाइम में किसी और को शरीक नहीं किया। क्या कर रही हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? What are you up to, Sophia? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
क्या कर रही हो तुम? तुम होश में तो हो सोफिया? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हम दोनों को वक्त की जरूरत है एक दूसरे को समझने की। वी नीड स्पेस। एक दूसरे को समझने के लिए साथ रहना जरूरी है और तुम जाने की बातें कर रही हो। जब माहौल इतना नेगेटिव है तो रहने का क्या फायदा? तुमने इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला? मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तुम मुझसे अलग हो रही हो? मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग रहना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते की कड़वाहट। रिश्ते की कड़वाहट तुम बीच में ला रही हो सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारा उस स्टूपिड अदील से मिलना पसंद नहीं है। Oh, shut up. Do not call Adil stupid. Yes. Why? बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। उसके लिए तुम अपना घर छोड़कर जा रही हो जहां मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है, वहां रहने का क्या फायदा? So, is this your final decision, Sophia? Sophia, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, याद रखना। यावर, वो मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आके खा लीजिए। बहुत दिल से बनाया है मैंने, थोड़ा सा चख लीजिए ना आके। काश मैं अपने आप को सजा दे सकता। क्यों सजा दे रहे अपने आप को? आप आंखें देखिए आपने अपनी। क्यों कर बेटा ना उससे इतनी मोहब्बत? क्यों? उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। सांस नहीं आती मुझे, दम घुटता है मेरा। यावर संभाले अपने आप को, उसकी भी ऐसी ही हालत हो रही होगी वहां पर। बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे छोड़ कर ना जाती। जरा सी बात ने हमारे दरमियान फासले पैदा कर दिए। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत उसे कोई नहीं दे सकता। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी नया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन? आंटी जी, नेहा बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हारे बारे में यावर ने बताया था। यावर कहाँ है? जी वो बस बाहर तक गए, थोड़े अपसेट थे। क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्यों परेशान है? पता नहीं, उसके जाने के बाद से कुछ ना किसी से अच्छे से बात करते, ना मुस्कुराते, ना कुछ खाते हैं। बस दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन ले आंटी वो आ गए। मैं बात करवाती हूँ आपकी, होल्ड कीजिएगा। आपकी अम्मी का फोन है आपकी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी।
मेरा बच्चा। समझ नहीं आ रहा सोफिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों छोड़कर चली गई मुझे। ना रो मेरे बच्चे, अरे ऐसी औरत के लिए रो रहा है जिसके दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई जज्बात नहीं। अरे अच्छा हुआ ना बेटा, बहुत जल्द उसकी असलियत तेरे सामने आ गई, अगर बाद में आती तो फिर क्या करता। खुल जा बेटा उस औरत को, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो पहले ही कहती थी वो जरूर अपना कोई रंग ढंग दिखाएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा है। तुम ऐसा करो, नेहा जैसी कोई अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। मैं बात करता हूँ आपसे मम्मी, मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़ मम्मी। आंख ये नम है मेरी तेरी तलाश में, कब से यूं बैठा हूं तेरी ही आस में। आंख ये नम है मेरी तेरी तलाश में, कब से यूं बैठा हूं तेरी ही आस में। तेरे बिना मेरी शामें उदास है, कैसे भुला तू जो संग पीते तुझसे। एक पल भी मुझको चैन कहीं ना आए, दर्द ये कैसा किसको दिखाऊं। जीने की तू वजह दे के बिन तेरे जी ना पाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए सोफिया? चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया। आपकी बात अब खत्म नहीं होगी यावर, मैं अपनी जिंदगी एक घटिया आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम एक जेलस आदमी हो जो सिर्फ अपनी मर्जी चाहता है। जेलस? किस उस अदील से? हाँ उस अदील से, क्योंकि मुझे खुश देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई, बल्कि तुमने अपनी बुराई करके मुझे उससे बात करने से रोका। तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हारी कब खुशी नहीं चाहिए बताओ मुझे। यावर तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, फर्क सिर्फ इतना है कि जो तुम्हारी माँ के दिल में है वो उनकी जुबान पे भी आ जाता है, और जो तुम्हारे दिल में है वो सिर्फ तुम कहते नहीं हो करते भी हो। सोफिया! Don't you dare! मेरी मां का नाम कभी अपनी जुबान पे मत लेकर आना, एक लफ्ज भी नहीं दूंगा। मेरी मां ठीक कह रही थी, किसी की नहीं हो, किसी की नहीं हो तुम। यावर कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से कॉल कर परेशान हो रही थी। मैं वो बेवफा निकली, सारे रिश्ते खत्म कर दिए उसने एक पल में, सारे रिश्ते। लेकिन क्यों? शायद उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहम लोग हैं। यार आपको कोई गलत फहमी होगी, मैं उससे बात करती हूँ, उसे जाके समझा। कोई फायदा नहीं, वो बहुत दूर जा चुकी है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं उसकी जिंदगी में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, मैं आप दोनों की जोड़ी को रश की निगाह से देखा करती थी। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता उसके बारे में, मैं एक लफ्ज नहीं।
उसका नाम अपने दिल से, अपने घर से निकाल दूंगा मैं। यावर, सब क्या हो गया? यावर मेरी बात सुने। आप ये फाइल देख लें ताकि हम फिर बाद में केस फाइल कर सकें। जैन जी, उस दिन क्या हुआ था? तुम बाज नहीं आओगे क्या? आई थिंक मैं वर्किंग आवर्स के बाद कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लोग तुम्हें पहचानते हैं हमारी फर्म की वजह से। और जो आप करते फिर रहे हैं यावर साहब, वो हमारी फर्म के इमेज के लिए नेकनामी का सबब बन रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, क्या ये इस वजह से नहीं कि आपने नेहा को अपने घर में जगह दे रखी है? ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का घटिया इंसान बोल रहा है। नेहा सिर्फ मेरे हा, हा, हा। नेहा, नेहा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। भाभी के जाने के बाद वो आपकी खिदमतें कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं यावर साहब नेहा के साथ? जैन, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको इसी बात का एहसास दिलाना था, किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, मगर उससे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं जो करता हूं ना, सबके सामने खुल कर करता हूं, किसी की तरह छुप कर नहीं करता। जैन! आपने बुलाया? तुम यहां से चली जाओ। क्यों? बस कह दिया ना तुम्हें यहां से जाना होगा। क्यों चली जाओगे? कहां रहूंगी मैं जाके यहां से? मैंने तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दिया है, जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिलता किसी और के घर में रहो। आपको सूफिया ने कहा है? सारी दुनिया बकवास कर रही है, ऑफिस में हर बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, दो टके की इज्जत नहीं रही मेरी। लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो बकवास करनी करे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो आप सोचते हैं। कहा ना यार, जाओ यहां से। गेट आउट। चलो, मैं नहीं जाऊंगी यहां से। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं।
नाश्ता तैयार है, आके कर लीजिए, बस यही बताना था आपको। सुनो, शाम को तैयार हो जाना। क्यों? हम लोग शादी कर रहे हैं। हेलो यावर जी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हम आज मिल सकते हैं मेरे थिएटर की रिहर्सल के बाद? जी अच्छा, वो जो एक कैफ़े है ना सवॉय के बाद, जी वहीं पे मिलते हैं। हाँ जी, मैं वहीं पे होंगी। ठीक है, 6 बजे बिल्कुल। ओके बाय। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, जब बात आपके घर पे भी हो सकती थी। उस बात से ज़्यादा मुझे इस बात पे हैरानगी है कि इतनी खुशपाश हसमुख पूजा आज इतनी मध्यम क्यों। यावर जी, जिंदगी भी कितनी अजीब खेल खेलती है ना। जो फूल कभी रंग और खुशबू बिखेरते हैं, वही मुरझा के एक दिन खुद बिखर जाते हैं। जो कुछ मुझ पर गुजरी, ये बातें तो मुझे करनी चाहिए, तुम क्यों कर रही हो? आप कितने खुशनसीब हैं यावर जी, आपको सुफिया जी मिली है। उस बेवफा का नाम मत लेना मेरे सामने, मत लेना उसका नाम मेरे सामने। वो बेवफा नहीं है, उन्हें आपसे बहुत मोहब्बत है। She truly loves you. ये तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, मैं आपको ये राज कभी ना बताती, लेकिन मुझसे आपकी ये हालत देख ही नहीं जाती। आप सबका ख्याल रखते हैं ना यावर जी, इस बार सुफिया जी आपको मात दे गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सुफिया जी को कैंसर है। सुफिया जी नहीं चाहती थी कि आपको पता चले, वो कुछ भी सह सकती हैं, लेकिन आपकी ये हालत उनसे देख ही नहीं जाती। अदील उनके कोई कॉलेज का फेलो नहीं है, वो हमारे थिएटर में एक आर्टिस्ट है। उनका अदील से बातें करना, अपनी अम्मी के घर जाना, आपको छोड़ देना, ये सब एक खेल है। सुफिया जी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, करती है और करती रहेंगी, यही सच है। Na 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 na
लगेगी बरसात मोरे रे I love you, Sophia. Morena, Nana, Morena. स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए हम सोफिया को बचा सकते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। हमें कोई ऐसा डोनर मिल जाए जिसके स्टेम सेल्स सोफिया के स्टेम सेल्स से मैच करते हों, तो उसके बचने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। अब मेरे स्टेम सेल्स ये इतना आसान नहीं है यावर जी, स्टेम सेल्स मैच भी तो होने चाहिए। इट्स डिफिकल्ट, हम कुछ कर लेंगे। Hi. How are you, doctor? I'm fine, thank you. Is everything okay? नहीं यावर, आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ स्टेम सेल के लिए। London, Nottingham, Manchester, Glasgow, Edinburgh, हर शहर में आपने कोशिश की, लेकिन जब सेल्स मैच नहीं कर रहे, हम आपके स्टेम सेल आपकी वाइफ को नहीं दे सकते। इसके लिए हमें डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस वक्त हम स्टेम सेल दे रहे होंगे, हमें अंदाज़ा है कि मुमकिन है टेबल पर ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, और अगर टेबल पर सोफिया को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हुई तो हॉस्पिटल से बाहर आकर हो सकती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की।
और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज अपनी जबान में उर्दू में आप ये सोचें कि ग्राफ्ट जो एक दूसरे इंसान के जिस्म से हम बोन मैरो ले रहे हैं वो ग्राफ्ट दे रहे हैं, और होस्ट जिस इंसान के जिस्म में दिया जा रहा है वो होस्ट है, एक मेज़बान है। और बाज़ दफ़ा ये टिश्यूज़ ये सेल्स मैच नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिजेक्शन की वजह से जान को भी खतरा। क्या हुआ जिब्रान, घर में घुसा है? सुनो, किसी चीज को हाथ मत लगा, मैं भी घर आ रहा हूं, पुलिस को फोन करता हूं। ओके ओके बाय। सुजन इज द ऑफेंडर इन सेंसेस नाउ। Yeah, at the moment he's currently in hospital. He's receiving treatment for his injuries. We think he's got relatively minor injuries, and once he's been discharged from hospital, he'll come back here to the police station, and then he's going to be interviewed about what happened last night. Okay. So yeah, well, as you know, due to your job as a solicitor, we need to wait to when the offender is in a fit condition to be interviewed about this matter, and then he'll be brought to the police station and interviewed regarding what's happened. As you know, he's already been warned not to contact this girl directly or indirectly, so we will take some action just to make sure that that safeguarding's in place and that he doesn't contact her again, either directly or indirectly. Thank you very much, Cole. Yeah, no worries. एक खुशखबरी है, हमें डोनर मिल गया है। Really? जी। कौन? सॉरी, ये मैं आपको नहीं बता सकती, डोनर ने मना किया है, और हॉस्पिटल की पॉलिसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन हम डोनर के कंसेंट के बगैर नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अब हमें करना क्या होगा? हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और आपको कंसेंट फॉर्म साइन करने होंगे। कितने परसेंट चांसेस हैं? मैंने आपको कहा था ना कि 20% चांसेस हैं ट्रांसप्लांट के बाद। 100% चांसेस हैं कि मुझको पता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। करीम है साया, हम दो सना के लाए।
हर सू है तेरी शाही, तेरी दायम बेपरवाही। आपको रेगुलर चेकअप के लिए अब आना पड़ेगा। डेफिनेटली। यस। हेलो। हेलो। थैंक यू सो वेरी मच। यू आर वेलकम। बता सकती हैं कि ये डोनर कौन था? सॉरी, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। इट्स अ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल का पॉलिसी है। ओके, थैंक यू। सो आई लीव यू टू टॉक। Thank you. अब मुझे छोड़ के जाने की बातें मत करना। Never. Are you sure? 100%. Done. Done. यावर भाई, पूजा, जैन, जैन, पूजा, कैन बिलीव इट, सीरियसली। जब आप और सुफिया जी एक साथ हो सकते हैं तो हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं अमेरिका के, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। सही कहा। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी। ये बताओ कि ये चक्कर शक्कर क्या है? चक्कर यही है, आप यकीन करें कि ये जैन अब वो वाला जैन नहीं रहा। तो फिर कौन सा जैन बन गया? वो क्या है ना यार भाई, कि सच्ची मोहब्बत की आग जो है ना, बड़े बड़े पहाड़ों को पिघला देती है। और आग अगर पूजा जैसे हो तो पहाड़ को तो पिघलना ही था। बिल्कुल ठीक कहा। और फिर आप तो हैं ही बकरे टाइप की है ना। थैंक यू। ये बताओ कि मामला क्या है और कब हो रही है? आप यकीन करें, यही मामला है और मैंने तो घर पे बात ही कर ली है और माँ जी तो मान भी गई हैं। बस एक ही शर्त है कि शादी इस्लामाबाद में होगी। और मेरे घर वालों का कहना है कि शादी होगी दिल्ली में। तो फिर तो ये मसला ना दिल्ली में सॉल्व होगा, ना इस्लामाबाद में सॉल्व होगा, लंदन में ही सॉल्व होगा। मसला चाहे दिल्ली में हल हो, इस्लामाबाद में हल हो, या लंदन में हल हो, आपने शादी पे जरूर आना। जरूर आऊंगा। ओके, सो मच, कम ऑन, हैव समथिंग। ऐसा लगता है कभी हम लोग अलग हुए ही नहीं थे। ये सब कुछ एक ख्वाब था। मुझे पता था तुम मुझे इस तरह जाने नहीं दोगे। बहुत याद किया मैंने दिन, रात, ऑल द टाइम। शायद ये सब जरूरी था। कुछ गम इंसानों को और करीब लाते हैं। बिल्कुल सच कहा तुमने, आजमाइश इंसानों को करीब ले आती है। सच कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये सब कुछ जो हुआ, ये डोनर कौन था? खैर, जो भी था उसका हम पर एक एहसान है। I know who the person is. कौन? नेहा। क्या? नेहा? I can't believe it. How can it be possible?
वो पूजा के साथ मुझे हॉस्पिटल मिलने आई और डॉक्टर की मीटिंग के बाद पता चला कि शी कुड बी अ डोनर। तुम्हारा हम पे बहुत बड़ा एहसान है, ये एहसान हम लोग कभी नहीं भुला सकते। मेरा नहीं, तुम लोगों का एहसान है मुझ पर। आज मैं अपने अपने मुल्क अपने अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ सिर्फ तुम लोगों की वजह से। मुझे देखो, मुझे बदल के रख दिया तुम लोगों ने। बस इन सब चीजों के बदले में एक चीज मांगूंगी तुमसे, वादा करो दोगे? क्या? सूफिया का ख्याल रखना। देर हो रही है, चले? सुनो। हाँ। मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बेटा, कैसा है तू? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अरे मैंने तो बहुत दुआएं की हैं बेटा कि तुम घर वापस आ जाओ। बहुत जल्द सोफिया की ट्रीटमेंट हो गई, वो रिकवर हो रही है। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। बस अगले महीने इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा। जी अम्मी। मानेगा? कहिए जरूर। भाई मेरी प्यारी सी बहू को अपने साथ लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। जी सोफिया भी साथ आ रही है। और कोई शर्त? अरे ये शर्तें नहीं है, अभी तो बहुत सारी शर्तें हैं। हर एक नाम तुम्हारा जैसे, मेरे वजूद में तुम हो समाए ऐसे। दुनिया भुला के तुझ में बसा हूं, हो गया दिल शायराना। तुम पे शुरू
तुम पे फना हो गया दिल सूफियाना कि बिन तेरे जी न पाऊंगा तू बस मेरा है कि बिन तेरे जी न पाऊंगा ये मुझको पता है जीवन सहरा था चेहरा तेरा मिला भीगी तेरी जुल्फों ने चूमा मेरा जहां जीवन सहरा था चेहरा तेरा मिला भीगी तेरी जुल्फों ने चूमा मेरा जहां तेरी इन आंखों में जाने क्या बात है इन पे लुटा दूं लम्हों की सौगात मैं जुदा तुझसे एक पल भी मुझको चैन कहीं ना आए तुम पे शुरू तुम पे फना हो गया दिल सूफियाना कि बिन तेरे जी न पाऊंगा तू बस मेरा है कि बिन तेरे जी न पाऊंगा पता है ये मुझको पता है ये मुझको पता है में डूबा तेरी रंगी अदाओं में मैंने तुझे ढूंढा है जन्नतों की राहों में सजना में डूबा तेरी रंगी अदाओं में मैंने तुझे ढूंढा है जन्नतों की राहों में सदा इन हाथों में तेरा यूं हाथ हो नूर तेरे नैनों का हर पल मेरे साथ तुझसे एक पल भी मुझको चैन कहीं ना आए तुम पे शुरू तुम पे फना हो गया दिल सूफियाना कि बिन तेरे जी न पाऊंगा तू बस मेरा है मुझको पता है ये मुझको पता है।